स्वागत मिड डे प्राइम में, मैं हूं मुकुल शर्मा। मिड डे प्राइम में हम बात करेंगे पीएम मोदी की लाओस यात्रा को लेकर, जो ये दौरा है वो किस तरह का रहेगा, और उसके साथ साथ बात होगी खासतौर से रतन टाटा की भी। और इस दौरान अगले घंटे के दौरान आपको हम बताएंगे और किस तरह की हलचल बनी हुई है, खासतौर से अगर बात की जाए हरियाणा की तो यहाँ कांग्रेस की अंतर्कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बात होगी जम्मू कश्मीर की भी, जहां सरकार के गठन को लेकर सरगर्मियां तेज नजर आती हैं। और इसके अलावा भी खास तौर से बात हम करेंगे खेल जगत की, हर जगत की तमाम खबरें आपको हम बताएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाओस पहुंचने पर जोरदार स्वागत। 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। हरियाणा हार के बाद कांग्रेस में राग, एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं हार का ठीकरा। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने हार पर किया मंथन। पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों की भूख हड़ताल छठे दिन भी जारी। ममता सरकार और डॉक्टरों के बीच कल देर रात हुई बैठक रही विफल। जाने माने उद्योगपति रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं लोग। राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। महाराष्ट्र और झारखंड में एक दिन का राजकीय शोक। रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं लगातार लोग। 4 बजे के बाद किया जाएगा अंतिम संस्कार। और इसराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच जो बाइडेन और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई बातचीत, मौजूदा हालात पर की चर्चा। और आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो लाओस के 2 दिन की यात्रा पर हैं और खासतौर से यंगशान पहुंच भी चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम की ये यात्रा लाओ पीआर के प्रधानमंत्री सनोक्से शिफानदॉन के निमंत्रण पर हो रही है। लाओस की राजधानी वियांगचान में भारतवंशियों ने होटल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाओस में रामायण के प्रसंगों का अवलोकन भी किया।
जो रामायण के प्रसंग हैं उनका मंचन यहाँ किया गया, और ख़ासतौर से अभी का जो समय चल रहा है ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि कई और देशों में भी जो रामलीला हैं उनका मंचन किया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं एक प्रतीक है बुराई पर अच्छाई की जीत का। और वही इस मंचन के दौरान भी हमने देखा किस तरीके से दर्शाया गया था, जिसका अवलोकन करते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लाओस में आपको बता दें जो रामायण का मंचन है हुआ, उसके अलग अलग जो प्रसंग हैं उसका मंचन किया गया था, और उसी में अलग ही तरह की हमने देखा किस तरीके से एक पूरी जो कथा है उसको दर्शाया गया मंचन के जरिए, जिसका अवलोकन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ना सिर्फ लाओस बल्कि कई अन्य देश भी हैं जहाँ लगातार हम देखते हैं कि किस तरीके से जो रामायण है उसकी जीवंतता लगातार नज़र आती है। लेकिन ख़ासतौर से अभी का जो समय चल रहा है, क्योंकि अब हम देखेंगे कि किस तरीके से जो कहा जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत, वही संदेश लगातार नज़र आता है। और आपको बता दें हमारी संवाददाता मेघना देव ने लाओस में बिहू कलाकारों के साथ बातचीत भी की, आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यंजन में स्वागत के लिए लाओ महिलाओं ने बिहू नृत्य किया। उनसे बात करेंगे, उन्हें जिन्होंने सिखाया है, भारतीय मूल की हैं और लाओ में रहती हैं। मैडम बताइए कितना समय लगा है सिखाने के लिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहू की परफॉर्मेंस देखी यहाँ पर, क्या कहेंगे? नमस्कार, इट्स एन ऑनर कि उन्होंने उनके सामने हम प्रस्तुत कर पाए बिहू डांस। आई एम फ्रॉम आसाम टू, सो इनको सिखाने में इतना टफ भी नहीं लगा, क्योंकि इनको मैंने जब बोला है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सामने इसको गाना है, तो दे आर वेरी हैप्पी टू परफॉर्म। सो इट वॉज नॉट सो टफ एंड लिटिल बिट टफ, बट बिकॉज ऑफ मोदी वी कैन डू एनीथिंग एंड एनी टाइम। यू नो, इट वॉज सो हैप्पी मूवमेंट फॉर अस, ऑल्सो फॉर द टीम। दे आर वेरी हैप्पी टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ, एंड व्हेन मोदी जी से लाइक वंस मोर, इट्स लाइक आई गॉट द वर्ल्ड, यू नो, ये मेरे लिए पूरा दुनिया मिल गया है ऐसा लगा। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी टू परफॉर्म दिस। और आइए सीधा रुख करेंगे व्यंगचांग का ही, जहां से हमारे संवाददाता अजय मिश्रा जो हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जानेंगे उनसे किस तरीके के जो कार्यक्रम हैं वो रहे हैं, और खासतौर से अजय जानना चाहेंगे जो हमने देखा किस तरीके से जोरदार स्वागत वहां प्रधानमंत्री का किया गया, और जो भारतीय समुदाय के लोग हैं जो बिहू कलाकार थे अभी उनको हम सुन रहे थे, इनका कहना था कि जब प्रधानमंत्री कहीं भी पहुँचते हैं तो एक नई ऊर्जा का संचार होता है, और वो हमें लाओस में भी अब नज़र आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, आपसे थोड़ी देर पहले दो प्राचीन संस्कृतियों का एक अद्भुत संगम हमें देखने को मिला, जिसमें भारत की सनातन संस्कृति और यहाँ लाओ की जो बुद्धिज्म पर आधारित जो संस्कृति है उसका एक अद्भुत संगम देखने को मिला। आपसे थोड़ी देर पहले यहाँ के जो लाओ स्थानीय निवासी हैं उन्होंने संस्कृत भाषा में गणेश वंदना और माँ सरस्वती की वंदना की, और उसको प्रधानमंत्री ने बहुत एंजॉय किया। और बिहू नृत्य अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले हमारी संवाददाता के जरिए कि बिहू नृत्य को किस तरह से उन्होंने वंस मोर करके एक बार फिर से जो आसाम की संस्कृति है उसको पूरी दुनिया के सामने लाने का काम किया। तो आज उसके बाद आपने देखा कि जो बौद्ध भिक्षुओं के साथ वो अपने हाथ पर मंत्रोच्चार के साथ कलावा बांधते हुए नजर आए। ये जो दोनों प्राचीन संस्कृतियां हैं और लाओ की संस्कृति पर भारतीय सनातन धर्म के काफी काफी गहरी छाप देखने को मिल रही है, और उसका एक उदाहरण यहाँ का जो लोकल रामायण है उसके मंचन में भी देखने को मिला। और जिस तरह से हम लगातार आर्थिक मोर्चों पर कनेक्टिविटी और रेजिलियंस की बात करते हैं, और थोड़ी देर में आसियान शिखर सम्मेलन शुरू होने वाला है, उससे पहले ये जो हमारी सॉफ्ट डिप्लोमेसी है जो प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्रा का एक बहुत ही मूल मंत्र और उसके केंद्र में रहती है, उसको आज एक बहुत मजबूती मिली है। और आसियान देशों के साथ जो हमारे संबंध है सांस्कृतिक तौर पर और भी गहरे होते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल अजय, लेकिन ना सिर्फ सांस्कृतिक बल्कि अगर हम उनको देखते हैं खासतौर से वाणिज्यिक रूप से भी देखा जाए, भारत के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाए, फिर चाहे हम मुक्त व्यापार की बात करें या जिस तरीके से अगर जब बात की जाती है कैसे बेहतर संबंध जो हैं वो हो सकते हैं, प्रगाढ़ हो सकते हैं, कारोबार के नज़रिए से भी देखें क्या स्थिति है। देखिए, जो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसकी सेंट्रलिटी पूरा आसियान ही है, और ये बात बिल्कुल पुख्ता हो जाती है। आपने देखा कि एनडीए 3.2 यानी तीसरी बार लगातार सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक यात्रा की सिंगापुर की, इसके अलावा वियतनाम और मलेशिया के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो भारत का दौरा कर चुके हैं। आज जो फिर से ईस्ट एशिया समिट और आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान विभिन्न आसियान नेताओं के साथ मुलाकात जब होगी प्रधानमंत्री की, तो साफ तौर पर जो इस पूरे
पूरे जो थीम रखी गई है इस बार आसियान समिट की, जिसमें कि पूरी मुश्किल जो पूरी दुनिया के सामने जो मुश्किलें आ रही हैं पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी को लेकर के, किस तरह से रेजिलिएंट इकोनॉमी बनाई जाए उसका भारत समर्थन करता हुआ नजर आएगा। और आगे जाते हुए जिस तरह से कारोबार की बात की आपने, तो अगर हम देखें तो पूरे दुनिया के 7% GDP आसियान और भारत को अगर मिला लें तो वो आती है 26% वर्ल्ड के पॉपुलेशन को हम कैटर करते हैं। तो इसलिए भारत आसियान का एक मंच पर आना और ग्लोबल साउथ की आवाज़ बन करके उभरना, इंडो पैसिफिक में जो हमारी नीतियां हैं उस पर आसियान को साथ लेकर के चलना, तो एक नया इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर है जिस पर भारत लगातार काम कर रहा है। और IPEF जो कि एक नए मंच के रूप में उभर रहा है, इंडो पैसिफिक की नीतियां जो हैं वो अलग अलग देशों के अलग अलग तरीके से उभर रही हैं, ऐसे में भारत जो तमाम उसके स्टेक होल्डर्स हैं उसको एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहा है और हमारी जो इंडो पैसिफिक में नीति है उसको भी मजबूती के साथ इन वैश्विक मंचों पर रखता हुआ नजर आएगा। और शिखर सम्मेलन से जो बातें निकल करके आएंगी उसमें भी ऐसा लग रहा है कि इन्हीं बातों पर रिट्रेट करने की कोशिश की जाएगी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। जी बिल्कुल, और उसी वजह से कहीं ना कहीं भारत आसियान के जो संबंध हैं वो और मजबूत भी होंगे। और आज के कार्यक्रम की अगर बात की जाए, क्योंकि अभी तो हमने देखा जोरदार स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ, इसके बाद के जो कार्यक्रम है क्या कुछ अहम कार्यक्रम है प्रधानमंत्री के? अब डिप्लोमेसी से शुरुआत हुई है लेकिन अब बात होगी उन वैश्विक मुद्दों की जो अब तक पूरी दुनिया में छाई हुई है, चाहे वो अनसर्टेनिटी का मामला हो, ईस्ट एशिया समिट की बात करें तो अब म्यांमार में जो संकट चल रहा है उस पर चर्चा हो सकती है, रूस यूक्रेन में जो संघर्ष है, साथ ही मिडिल ईस्ट में जो दिक्कतें हो रही हैं उन पर जो तमाम नेता हैं अपने अपने देशों की तरफ से अपने जो राय है वो रखते हुए नजर आएंगे जी। लेकिन आप देखें कि भारत की ओर से जो 12-point एजेंडा पिछले साल जकार्ता के आसियान शिखर सम्मेलन के वक्त रखा गया था पीएम मोदी द्वारा, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम जो ट्रेड की बात कर रहे हैं जो 2002 में केवल 9 billion के स्तर पर था डॉलर के स्तर पर, वो अभी $150 billion के स्तर पर आ गया है, किस तरह से इसको हम आगे ले जा सकते हैं। और खासतौर पर जो UPI है, RBI आपको बताएं कि ऑफिशियली वो एक प्रोजेक्ट नेक्सस है जो कि आसियान क्षेत्र में जो फास्ट पेमेंट इकोसिस्टम है उसको RBI ने ऑफिशियली ज्वाइन किया है। UPI आप जानते हैं सिंगापुर के पेनाओ के साथ पहले ही करार कर चुका है, बहुत दूसरे आसियान देशों ने भी भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में रुचि दिखाई है, तो ये सारी बातों पर जरूर चर्चा होगी। और प्री ओपन रूल बेस्ड और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक जिसकी लगातार वकालत भारत करता आया है उस पर भी एक बार फिर से अपनी नीतियों को दुनिया के सामने रखते हुए नजर आएंगे। और हम सभी को इंतजार है उस उद्बोधन का जो भारत आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के जरिए पूरी दुनिया के सामने रखा जाएगा कि कैसे भारत और आसियान बहुत सारे वैश्विक मुद्दों पर एक राय रखते हैं और एक साथ मिलकर के आगे जाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, और ये जो तमाम मुद्दे हैं वैश्विक मुद्दों की अगर खासतौर से जो है हम यहाँ बात कर रहे हैं, इंडो पैसिफिक की बात की जाए, दूसरे इससे पहले भी हमने देखा था क्वाड में भी इन तमाम मुद्दों को, लेकिन जो और भी आसियान देश हैं उनके साथ जिस तरीके से भारत के जो रिश्ते रहे हैं, संबंध हैं, उनको उस लिहाज से अगर देखा जाए, क्योंकि आज के समय में जब भारत किसी भी मंच पर रहता है तो पूरा विश्व भारत की बात को सुनता है और कहीं ना कहीं एक जो तमाम वैश्विक चुनौतियाँ हैं उनके समाधान के तौर पर भारत को देखा जाता है, तो क्या अब वही जो भूमिका है इस मंच पर भी हम कह सकते हैं कि और बड़ी नजर आएगी अब भारत की? जब भी भारत की विदेश नीति के केंद्र में अगर आप देखें तो न केवल हम द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में विश्वास रखते हैं बल्कि जितने भी मल्टीलेटरल फोरम्स हैं, बहुउद्देशीय मंच हैं, उस पर भी जो भारत की नीतियां हैं उसको लगातार हम दुनिया के सामने बहुत ही साफगोई के साथ, पारदर्शिता के साथ रखते हुए नजर आए हैं। तो जिस तरह से रेजिलियंस की बात करें, पूरी समिट का थीम ही है इस बार कनेक्टिविटी और रेजिलियंस को बढ़ाया जाए, इसको हम पूरा समर्थन करते हुए नजर आएंगे। और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, रेजिलियंट सप्लाई चेन, जो कोविड के बाद पूरी दुनिया को ये समझ में आ रहा है कि आपको केवल एक देश पर निर्भर नहीं रहना है और भारत को एक बहुत ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में देखा जाता है। मैं बार बार इस शब्द को इस्तेमाल करना चाहूंगा, ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में पूरा आसियान पूरे भारत को देखता है, वो जिस बात को दिखाता है कि भले ही दो साउथ चाइना सी में चीन की बढ़ती हुई गतिविधियां हैं या हस्तक्षेप है, उसके खिलाफ मुखर होकर के जो भारत को समर्थन मिल रहा है, इसलिए कहा जा रहा है कि भारत लगातार बात करता है आसियान के मंच पर कि एक हम फ्री एंड फेयर जो इंडो पैसिफिक है, इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक है, उसको लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे लगता है कि न केवल आसियान बल्कि आसियान प्लस, जो कि ईस्ट एशिया समिट में जो दूसरी शक्तियां हैं जिसमें अमेरिका, रशिया, जापान और न्यूजीलैंड जैसे बड़े, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े इकोनॉमिस्ट शामिल हैं, उनको भी इंडिया जो इंडो पैसिफिक नीतियों में कैसे भारत के साथ अलाइन करके चला जाए। IPEF जो हम लोगों ने बनाया है जिसमें भारत एक बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है, आगे का तो मुझे लगता है कि जो जो आसियान और भारत के संबंध हैं वो न केवल
आर्थिक और कारोबारी तरीके से, बल्कि विश्व की जो अभी 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 भू राजनीतिक परिस्थिति है उसके मद्देनजर जो समस्याएं हैं उनका उस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं जो भू राजनीतिक परिस्थितियां वैश्विक स्तर पर बनी हुई हैं। फिलहाल अजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दोबारा आपके साथ अपडेट के लिए हम जुड़ेंगे। तो हमारे संवाददाता बता रहे थे किस तरीके से लाओस में जोरदार स्वागत हुआ प्रधानमंत्री का और किन मायनों में ये जो दौरा है प्रधानमंत्री का ये अहम हो जाता है। फिलहाल मिड डे प्राइम में हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना, और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूँ की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो, है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मिड डे प्राइम में। भाई आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हरियाणा को लेकर, जहां कांग्रेस को जो हार मिली है उसके बाद अब पार्टी में रार भी नजर आ रही है। दरअसल हरियाणा में हार के कारणों की समीक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी अब एक्शन में नजर आ रही है। इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बैठक बुलाई। बैठक में पार्टी को मिली इस बड़ी हार की समीक्षा की गई। हालांकि बैठक में हुड्डा और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान नहीं पहुंचे। ऐसा कहा जा रहा है कि इन दोनों से अलग से मुलाकात करेगा कि ये जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस का। इस बैठक में राहुल गांधी, अजय माकन और हरियाणा राज्य प्रभारी अशोक गहलोत जरूर पहुंचे। तो कहीं ना कहीं हरियाणा में जो हार कांग्रेस को यहाँ उठानी पड़ी है उसके बाद कांग्रेस की अंतर्कलह जो है वो और अब बड़ी नजर आ रही है। नौबत जो है सिर्फ फुटबॉल की भी है और उसी वजह से रार की स्थिति बनी हुई है। जी हाँ, हरियाणा परिणाम के बाद कांग्रेस में अब घमासान की समीक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो बैठक बुलाई इसमें गुटबाजी से त्रस्त हरियाणा कांग्रेस अब आलाकमान की शरण में नजर आ रही है। समीक्षा के लिए बैठक भी बुलाई गई लेकिन स्थिति जो है वो लगभग जस की तस। गुटबाजी से त्रस्त हरियाणा कांग्रेस अब आलाकमान की शरण में। ईवीएम को निशाना बनाकर क्या अपनी कमजोरियों को छुपा रही है पार्टी? कई ऐसे सवाल खड़े हो जाते हैं। राहुल की अगुवाई में कांग्रेस की 88वीं हार क्या जिम्मेदारी तय करेगी पार्टी? हरियाणा की हार पर गठबंधन सहयोगियों ने भी तरेरी आंखें और कांग्रेस को दी आत्मनिरीक्षण की सलाह। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो मुश्किलें हैं, भले ही हरियाणा का जो चुनाव है वो संपन्न हो गया हो, लेकिन अब और भी ज्यादा मुश्किल जो है शायद कांग्रेस के सामने नजर आ रही है। जो सहयोगी दल हैं वो तो सिर्फ बोल ही रहे हैं, लेकिन अब जो कांग्रेस की अंदरूनी कलह है वो भी यहाँ पर खुलकर नजर आ रही है। हार का ठीकरा जो है वो कांग्रेस जो है एक दूसरे पर ही फोड़ते नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें, भाजपा नेता अनिल विज ने कांग्रेस पर तंज कसा। उनका कहना है कि अगर कांग्रेस चुनाव नतीजों को स्वीकार नहीं करते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। वहीं आप पार्टी का नाम बदलकर जमानत जब्त पार्टी रखने की बात उन्होंने कही। अनिल विज ने दुष्यंत चौटाला की पार्टी को करनी और भरनी कहकर भी निशाना साधा। लोग एंटी इनकम्बेंसी बोलते हैं, पर प्रो इनकम्बेंसी का किसी को नहीं पता। हमारी प्रो इनकम्बेंसी थी, हमने काम किए थे, ईमानदारी से किए थे, सिस्टम को बदला था, भ्रष्टाचार दूर किया था। जिस प्रकार से लूट राज हरियाणा में चलता रहा, हमने उस पर ब्रेक लगाई। इसलिए मैंने पहले दिन से कहा कि जब सारे डिमोरलाइज्ड भी हुए हुए थे, सारे आंकड़े हमारे खिलाफ थे, तब भी मैंने कहा कि आएगी तो बीजेपी। यहाँ तुम्हारे अगेंस्ट हो वहाँ ईवीएम खराब है, जहाँ तुम्हारे हक में हो वहाँ ईवीएम ठीक है। तुम्हारा तो करेक्टर हो गया। ये छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे भी जानते हैं कांग्रेस के करेक्टर को। वहीं भाजपा नेता जयवीर शेरगिल ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर कहा कि जब वोटों की गिनती हो रही थी तब राहुल गांधी देश में ही नहीं थे। उन्होंने राहुल गांधी को ऐसा बालक बताया जो परीक्षा में फेल होने पर अपनी गलती स्वीकार नहीं करता। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के विनाश पथ पर चलने की बात कही।
माननीय श्री राहुल गांधी तो जब गिनती हो रही थी तो देश में ही नहीं थे, उस चुनाव की काउंटिंग के दिन अपने सिपाहियों को मैदाने जंग में अकेला छोड़ के वो तो 3-4 दिन पहले देश से बाहर सैर सपाटा कर रहे थे। तो राहुल जी को हरियाणा में, देश में, इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है वो पता ही नहीं, जो व्यक्ति देश में नहीं है। दूसरा, बहुत मान इज्जत सत्कार के साथ कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी उस बालक की तरह है जो हमेशा इम्तिहान या पेपर में फेल होने के बाद या तो टीचर को, या तो क्वेश्चन पेपर पे हो, या अपने स्कूल पे आरोप लगाता है, पर अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करता। और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी आज एक अपने ही एक विनाश पथ पे चल चुकी है। राहुल जी के दरबार में जो तथ्य, सत्य, लॉजिक, वो पूरी तरह निस्तो नाबूद हो चुका है। और इस बात का जीता जागता ये सबूत है कि आज राहुल जी के जो साथी हैं, इंडी गठबंधन है, वो भी आज कांग्रेस पार्टी को एक बोझ समझ रहे हैं। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि लाहौर दौरे पर हैं, इस दौरान जब उनका जोरदार स्वागत हुआ तो जो बिहू कलाकार हैं उन्होंने भी प्रदर्शन किया। आइए देखते हैं। We'll be right back.
अब देखा आपने किस तरीके से प्रधानमंत्री के स्वागत के लाओस में बिहू नृत्य किया कलाकारों ने यहाँ पर। और उससे पहले हम यह बात कर रहे थे किस तरीके से कांग्रेस जो है हरियाणा में हार के बाद अब और सिर्फ फुटबॉल की स्थिति वहाँ नजर आ रही है। वहीं राजनीतिक विश्लेषक अशोक वानखेड़े ने एक यूट्यूब चैनल में चर्चा के दौरान हरियाणा प्रदेश को कांग्रेस का अय्याशी का अड्डा बताया था। इस पर भाजपा नेता अमित मालवीय का कहना है कि अशोक वानखेड़े वरिष्ठ कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल के खिलाफ कास्टिंग काउच के आरोप पर कायम है। कांग्रेस पार्टी की चुप्पी आरोपों को वैधता प्रदान कर रही है। इससे पहले कांग्रेस के सिमी रोसपेल और हरियाणा से दो बार विधायक रही शारदा राठौर ने कांग्रेस में आगे बढ़ने के लिए कास्टिंग काउच की पुष्टि की थी। शारदा राठौर ने कहा था कि कांग्रेस में चमड़ी और दमड़ी देखकर ही टिकट मिलता है। तो कहीं ना कहीं लगातार अगर देखा जाए कांग्रेस की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, और ये किसी दूसरे दल की वजह से नहीं बल्कि खुद जो पार्टी के नेता हैं उन्हीं की वजह से फिलहाल यही स्थिति बनती नज़र आ रही है। और इस पर और जानकारी के लिए ये रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता कुमार आलोक जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार आलोक को जानना चाहेंगे कांग्रेस ने समीक्षा बैठक भी बुलाई, क्या कुछ इस बैठक में निकल कर अभी तक आया है? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जो खेमेबाजी है गुटबाजी है वो शायद चरम पर है। हरियाणा में चुनाव संपन्न भी हो चुका है, हार का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उसके बाद अब सिर्फ फुटबॉल की स्थिति शायद कांग्रेस में नजर आएगी। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये 10 राजा जी मार्ग है जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे का निवास है, और सवेरे जब ये खबर आई कि समीक्षा बैठक आज होगी 11 बजे दिन से शुरू होगी, जिसमें कि राहुल गांधी होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, केसी वेणुगोपाल होंगे, और राजस्थान हरियाणा के प्रभारी अशोक गहलोत होंगे, और प्रताप सिंह बाजवा जो सह प्रभारी होंगे वो भी होंगे, और उसके साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी होंगे जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और उदय भान जो हैं कांग्रेस के प्रेसिडेंट वो भी रहेंगे, और यहाँ तक शैलजा भी रहेंगे, सूर्यवाला भी रहेंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बताया गया कि सूर्यवाला और शैलजा को बाद में बुलाया जाएगा, लेकिन इस मीटिंग में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी नहीं आए और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी नहीं आए। तो लेकिन बाद में जब पत्रकारों से बात किया अजय माकन ने, तो अजय माकन ने कहा कि नहीं, उनसे बाद में मुलाकात की जाएगी, पहले ये केंद्रीय नेतृत्व इस पर हम लोगों ने विचार किया और इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी कि और वो हार के कारणों का तलाश करेगी जी। और अगर हम कांग्रेस के अंदर सिर्फ फुटबॉल की बात करें, आपने अशोक वानखेड़े का जिक्र किया, तो अशोक वानखेड़े तो सीधा केसी वेणुगोपाल पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को वहां पर टिकट दिया। इसके अलावा जो उनके कमांडो मेंबर है, जो SPG में रह चुके थे बैजू, वो सारा काम देखते हैं, सारी राजनीति को जो राहुल की जो मंडली है वो तय करती है। तो ये राहुल गांधी को खुद जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि इतना बड़ा सेटबैक जो पार्टी के लिए हुआ, यहाँ पर शैलजा कोई मैटर नहीं है, यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोई मैटर नहीं है, सबसे बड़ा मैटर राहुल गांधी है, और राहुल गांधी के नाक के नीचे ऐसा हो रहा था जो गुटबाजी चरम स्तर पर गुटबाजी थी। अब तो जो उनके इंडी गठबंधन के जो नेता है वो भी बोलने लगे, उमर अब्दुल्ला का आप लोग सुना होगा कि उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमने जम्मू में कांग्रेस ने अपनी औकात से ज्यादा सीटें मांग ली, और जम्मू में इनका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा और मात्र 4 सीटें जीत पाई। तो उनके सहयोगी उमर अब्दुल्ला हो, चाहे प्रियंका चतुर्वेदी हो उद्धव गुट शिवसेना की, चाहे वो समाजवादी पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया आई है, चाहे आम आदमी पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया आई है, यानी कि जो उनके गठबंधन जो बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी इंडी गठबंधन को लेकर के, तो इस हार ने एक बहुत बड़ा सेटबैक इस गठबंधन को दिया है, जिसका असर आने वाले महाराष्ट्र चुनाव में पड़ेगा और जिसका असर झारखंड के जो विधानसभा चुनाव होगी उस पर भी पड़ेगा जी। कुमार आलोक, और ना सिर्फ दूसरे दल बल्कि अगर बात की जाए कांग्रेस नेताओं की ही, या जो पहले कांग्रेस का दामन छोड़ चुके हैं, क्योंकि इस चुनाव में भी करीब 90 में से 14 सीट ऐसी थी जहां पे निर्दलियों की वजह से जो कांग्रेस है वो पीछे रही है, तो कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस की जो अंतर्कलह है उस पर भारी पड़ती नजर आ रही है। और इससे चुनाव से पहले भी इस तरह की तमाम जो बातें हैं वो कही गई थी, फिर चाहे कुमारी शैलजा भूपेंद्र हुड्डा के विवाद को लेकर कही जाए या अभी भी, क्या उसी की बानगी नजर आ रही है कि तमाम जो नेता हैं वो इस बैठक में भी एक साथ नजर नहीं आ रहे? देखिए, अभी जो शीर्ष नेता हैं खासकर हरियाणा के वो अभी काफ़ी कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जिस खेमे के जो विधायक का चुनाव लड़ रहे थे वो साफ साफ कह रहे हैं कि
हुड्डा पर आरोप लगा रहे हैं। एक तो 72 सीटें उन्होंने अपने अपने गुट को ली और 15 सीटें ऐसी थी जहां पर उन्होंने बिल्कुल ही जो ग्रास रूट की कार्यकर्ता तक नहीं थे उनको दिया। आपने शारदा राठौर का जिक्र किया, शारदा राठौर को मैं उस समय से जानता हूं जब वो राजनीति में नई आई थी 2005 में, जब हुड्डा की सरकार बनी थी 2004-05 में, तो वो एक बहुत बड़ी कद की नेता के रूप में उभर के सामने आई थी और बल्लभगढ़ से वो चुनाव जीती थी। और इसी हुड्डा ने, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, उन्होंने उनको संसदीय सचिव बनाया था। और वैसे लोगों को टिकट ना दे करके ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जिनका जमीनी पकड़ था ही नहीं। दूसरी चीज़, हुड्डा चाहते थे कि शैलजा गुट की जो भी 12 से लेकर 14 उम्मीदवार हैं उसको न जिता करके वहाँ पर उन्होंने इंडिपेंडेंट्स को जो मदद कर रहे थे जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ गया, ऐसा जो उम्मीदवार हारे हैं शैलजा गुट के उनका कहना है। वही शैलजा 15 दिन तक घर से निकली ही नहीं, वो समय पर राहुल गांधी ने भी प्रयास नहीं किया कि इन दोनों के बीच कैसे सुलह किया जाए। तो ये तमाम बातें हैं। अब जब जैसे जैसे समय बढ़ेगा आगे, जैसे जैसे बैठकें होंगी, तब और बातें निकल करके आएंगी कि कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी उसकी परंपरा रही है वो अभी खत्म होने वाली नहीं है। जी बिल्कुल, और ख़ासतौर से अगर बात की जाए जो लगातार एक जिस परंपरा की आप बात कर रहे हैं वो चल रही है, उसको देखते हुए अगर ख़ासतौर से जब हम कहते हैं कि अभी भी वही स्थिति नज़र आती है, क्योंकि ना सिर्फ जो कांग्रेस के नेता हैं उनकी बात की जाए या जिस तरीके की परिस्थितियाँ फिलहाल अभी तक भी नज़र आ रही हैं, शीर्ष नेतृत्व जो है वो पूरी तरीके से विफल नज़र आता है। राहुल गांधी की हम बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं विफलता उनकी भी नज़र आती है। और हमारे साथ आपको बताने भूपेंद्र धर्माणी भी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूर्व राज्य सूचना आयुक्त रह चुके हैं हरियाणा के। धर्माणी जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, कांग्रेस की जो अंतर्कलह है वो हावी होती नज़र आ रही है सीधे तौर पर। अब तो हार का सामना भी कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद जो रार है वो अभी थमकी नज़र नहीं आ रही है पार्टी में। हाँ देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो हरियाणा की स्थिति है उसमें जिस प्रकार चुनाव शुरू होने के बाद ही दोनों के दोनों गुटों में आपस में बहुत ज़्यादा खींचतान शुरू हुई, वो खींचतान जो है वो आखिर समय तक रही। आपने बिल्कुल ठीक कहा आपके संवाददाता ने अभी कि इन दोनों गुटों के अंदर समझौता करवाने का कहीं पर भी गंभीर प्रयास नहीं हुआ जी। आप हैरान होंगे कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान राहुल और उनकी बहन दोनों शिमला में बैठे हुए थे और चुनाव प्रचार यहाँ हो रहा था, जिसमें दोनों गुट जो हैं उसमें शैलजा जो हैं वो बिल्कुल बहिष्कार किए हुए थी। शैलजा का अपना एक पूरा अनुसूचित जाति में पूरा दबदबा है, और दूसरी तरफ जो हुड्डा हैं वो अपने लोगों को, लगभग 70 लोगों को यहाँ टिकट तो दिलवाने के अलावा आम आदमी पार्टी से जो समझौते की बात चल रही थी उसको भी उन्होंने ही तारपीड़ो किया, उन्होंने समझौता नहीं होने दिया। और आप हैरान होंगे कि इस बात को लेकर काफी चर्चा भी हुई अंतिम समय पर, जो ये टिकट वितरण हुआ और शैलजा शुरू में ही कैंपेन से बाहर हुई रही जी। और नाराज होकर दिल्ली बैठी रही और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उनको जाके मनाया, और उसके बाद राहुल के साथ वो आई लास्ट समय में। फिर उन्होंने बीच में कुछ ऐसा, इन लोगों के बयान आए, उन लोगों का जो इनके उम्मीदवारों के जिस प्रकार के बयान आए वो भी यहाँ पे बहुत प्रचारित हुए। और आप हैरान होंगे कि चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी गंभीर मुद्दे पर राहुल चर्चा यहाँ पर किसी भी भाषण में नहीं कर पाए, जो भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासन को लेकर वो आलोचना कर पाए, सिवाय इसके कि अग्निवीर को लेकर उन्होंने कुछ जरूर कहा। वो अग्निवीर को लेकर भी अमित शाह ने आकर यहाँ पर काउंटर कर दिया, और उस काउंटर को इतना प्रभाव पड़ा कि जो अग्निवीर के लेकर एक मुद्दा बनाया जा रहा था वो मुद्दा यहाँ पर समाप्त हो गया। और जिस प्रकार वो जातिगत जनगणना की बातें बार बार कर रहे थे, तो यहाँ पे एक जो विशेष समुदाय है जिसको हुड्डा रिप्रेजेंट करते हैं, उस समुदाय का इतना ज्यादा यहाँ पर एकदम प्रचार हुआ कि जो दूसरा वर्ग है वो अपने आप को एकदम डिफेंसिव हो गया। और तीसरी बात सबसे बड़ी जो है, पहली बार मैंने देखा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो RSS है उसके कार्यकर्ता धीरे से आराम से छोटी छोटी बैठकें करके, लगभग मेरी जानकारी के अनुसार हर विधानसभा के अंदर उन्होंने बहुत बैठकें की और जो कार्यकर्ताओं की नाराजगी थी उसको दूर करने में RSS के नेताओं का बहुत बड़ा भूमिका रही, बिना प्रचार से दूर रहते हुए। और आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, जो इन्होंने बार बार कही है अपना EVM को लेकर। आप देखिए कि मैंने अभी देख रहा था सब रिजल्ट, तो लगभग 5 सीटें ऐसी हैं टोटल 8 सीटों में से जो 2000 से कम मार्जिन से डिक्लेयर हुई हैं, उनमें से 5 सीटें ऐसी हैं
जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट से नहीं जीती है जी। और आप हैरान होंगे उनमें एक भव्य बिश्नोई जो कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं और एक जेपी दलाल जो फाइनेंस मिनिस्टर थे आउटगोइंग सरकार में और स्पीकर ज्ञानचंद, ये तीनों भी उसमें शामिल हैं। आप देखिए कि जो भव्य बिश्नोई हैं वो सिर्फ 1268 वोटों से हारे जी। और जेपी दलाल 792 वोटों से हारे, ज्ञानचंद गुप्ता 1997 वोटों से हारे, बहुत ये कम मार्जिन करता है। और आप देखिए कि एक 32 सीट वोटों से जो सबसे कम मार्जिन से जीता गया है वो उचानक कला की सीट है, जहां पर कि पूर्व आईएएस ऑफिसर जो भाजपा के पहले हिसार से सांसद थे जो वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं जी, उन्होंने पार्टी बदल ली थी, वो हारे हैं। और वहां पर पांचवें नंबर पर पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं। और ये सब चीजें शो करती हैं कि ईवीएम को लेकर जो ये हाई तोबा मचाई जा रही है ये बिल्कुल निरर्थक है। और रोहतक के अंदर जो बीबी बत्रा जीते हैं कांग्रेस के जी, वो भी 1341 वोटों से जीते हैं सिर्फ, जहां पर कि ये आरोप है क्योंकि सबसे बाद में इलेक्शन का रिजल्ट इसी सीट का आया था, जहां पर बताया जाता है कि जो बीजेपी के कैंडिडेट है उनके पुत्र के ऊपर उन्होंने ईवीएम, क्योंकि तीसरी बार काउंटिंग हो रही थी तो ईवीएम की मशीन मारी और वो भी कहते हैं डैमेज हुई है जी। बिल्कुल भूपेन जी, लेकिन अगर देखा जाए तो राहुल गांधी के नेतृत्व में करीब ये 88वीं हार पार्टी को यहाँ झेलनी पड़ी है। हालांकि हमने देखा लोकसभा चुनाव में 100 सीट जो हैं वो पार्टी के पास भी नहीं आई, लेकिन क्या हर बार अब यही स्थिति नजर आएगी कांग्रेस की, हार का सामना करना होगा और उसका ठीकरा ईवीएम पे फोड़ दिया जाएगा, जो अंतरकलह है वो शायद और बढ़ती जाएगी, जो कहीं ना कहीं पार्टी को तोड़ रही है, क्योंकि इंडी गठबंधन जो है उस अब तो सहयोगी दल भी नाराज हो रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जैसे यहाँ पर हरियाणा के अंदर सिर्फ एक सीट दी गई भिवानी की सीट जो उन्होंने सीपीएम को दी जी, और कहीं पर भी कांग्रेस ने किसी को भी एकोमोडेट नहीं किया। और स्वाभाविक रूप से आम आदमी पार्टी का यहाँ पर, क्योंकि केजरीवाल का जो अपना गृह जिला कह लीजिए या गांव जो है वो यहीं पर हिसार जिला के अंदर पड़ता है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी यहाँ पर 90 की 90 सीटों पर लड़ी, वो एक दूसरी बात है कि उनके अधिकतर कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर मुझे लगता है, जैसे मैंने आपको बताया ये जो 5-7 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर मार्जिन उतना ही है, कम मार्जिन जो है वो यहाँ नजर आया है, जितना मार्जिन जो है आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट ने वोटें नहीं है जी। अब आपको मैं दूसरी बात बताता हूँ, हरियाणा के अंदर 10 पार्लियामेंट्री सीट हैं, उन 10 पार्लियामेंट्री सीट में 9 की 9 विधानसभा, हर किसी में 9 विधानसभा हैं जी। तो करनाल की सिर्फ ऐसी विधानसभा है, पार्लियामेंट है यहाँ पर 9 की 9 सीटों पे पहले भी बिल्कुल, ये परिस्थिति जो है लगातार अब कांग्रेस के सामने भी है। रोहतक के अंदर जी, रोहतक के अंदर बिल्कुल, कुमार आलोक पहले आपको यहाँ मैं रुक कर लेता हूँ, क्योंकि समीक्षा बैठक जिसका आप जिक्र कर रहे थे और जो सदस्य इसमें नहीं आए, भूपेन्द्र हुड्डा की बात की जाए या जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी बात की जाए, तो क्या उनके साथ बातचीत जो है वो आज ही होगी या आगे का समय जो है वो कुछ निर्धारित कर दिया गया, और खासतौर से शैलजा सुरजेवाला की भी अगर बात करें तो? जैसा कि अजय माकन ने बताया कि ये केंद्रीय नेतृत्व की समीक्षा बैठक थी और इसमें अभी काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि हार के कारणों अब उन्होंने एक बार फिर से ईवीएम का जिक्र किया कि सारी जो भी एग्जिट पोल आए, सारे एग्जिट पोल ने कहा कि भाई कांग्रेस वहाँ पर पूर्ण बहुमत की ओर बढ़ रही है या पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, सारे स्पेशलिस्ट कह रहे थे, उसके बावजूद ऐसा कैसे हो गया जी। तो फिर इन्होंने ये नहीं कहा, जब पत्रकारों ने उनसे प्रश्न किया कि शैलजा और हुड्डा के बीच जो तलखियां थी जिसके वजह से कांग्रेस हारी, इस पर उन्होंने मौन धारण कर लिया, ऐसा उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी ही नहीं या हुड्डा और शैलजा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन का उत्तर उन्होंने नहीं दिया। तो अब देखना होगा कि जब हुड्डा, अभी ये भी कहा जा रहा है कि हुड्डा गुस्से में है, वो नहीं मिलना चाह रहे हैं जी, बिल्कुल, यानी अभी भी सवाल वही है कि जो मौन धारण किया जा रहा है, जो चुप्पी साधी जा रही है, क्या वो सहमति है, क्या हाँ है, क्योंकि अब जो समीक्षा बैठक भले ही हो रही है लेकिन जब तक शायद अंतरकलह दूर नहीं होगी, पार्टी की इस स्थिति से इसको निकाल पाना बहुत ही मुश्किल। फिलहाल भूपेंद्र वाणी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, साथ कुमार आलोक आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बात यहाँ कर रहे थे कांग्रेस में अंतरकलह को लेकर। फिलहाल मिडडे प्राइम में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्राकृतिक हल्दी मिर्ची धनिया नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। किनारों पे यारी ये आजाद है, नमकीन लहरों का ये स्वाद है।
महाराष्ट्र टूरिज्म। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मीडिया प्राइम में, और आइए बात करते हैं देश के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा की, जिन्होंने कल दुनिया को अलविदा कह दिया। दिग्गज उद्योगपति रतन नवल टाटा के निधन से देश में शोक की लहर है। उन्होंने 86 साल की आयु में मुंबई के बीच के अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। रतन टाटा के निधन पर महाराष्ट्र और झारखंड में एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी NCPA में रतन टाटा के पार्थिव शरीर को सार्वजनिक दर्शन के लिए रखा गया है। सुबह 10:30 बजे से दोपहर 4 बजे तक लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। 2008 में रतन टाटा को देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो 4 बजे तक अंतिम दर्शन जो है वो लोग कर सकेंगे रतन टाटा के पार्थिव शरीर के। और इनके निधन पर ना सिर्फ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बल्कि प्रधानमंत्री ने भी शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कुछ तस्वीरें भी उनके साथ साझा की। रतन टाटा का जो व्यक्तित्व रहा बेहद ही सरल स्वभाव, और खास तौर से जब भारतीय उद्योग जगत की बात की जाती है तो उसमें एक ऐसा नाम जो कि जाहिर तौर पर किसी भी रत्न से कम नहीं था, और उसी वजह से जो शोक की लहर है वो नजर आ रही है। और उनके पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए सुबह 10 बजे के बाद से ही करीब 4 बजे तक का जो समय है वो रखा गया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश के दिग्गज उद्योगपति और टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। अमित शाह ने कहा कि रतन टाटा ने टाटा समूह की कमान ऐसे वक्त में संभाली जब टाटा समूह के अनेक प्रकार के परिवर्तन करना जरूरी था। उन्होंने कहा कि रतन टाटा लंबे समय तक देश के औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले और नेतृत्व करने वाले लोगों के लिए पथ प्रदर्शक बने रहेंगे। रतन टाटा जी को बहुत मनपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। रतन टाटा जी, मेरा उनसे व्यक्तिगत भी गहरा परिचय रहा, परंतु न केवल भारतीय उद्योग जगत के, पूरे विश्व के एक सम्माननीय उद्योजक रहे। टाटा समूह का नेतृत्व करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, परंतु उन्होंने टाटा समूह का नेतृत्व ऐसे समय में संभाला जब टाटा समूह को अनेक प्रकार के परिवर्तन करने जरूरी थे, और धैर्यपूर्वक बारीकी से अध्ययन करके टाटा समूह के सारे उद्योगों को और काम करने की पद्धति को, दोनों को उन्होंने परिवर्तित किया, और पहले की तरह आज भी टाटा समूह भारत के उद्योग जगत में एक ध्रुव तारा बनकर है, उसमें रतन टाटा जी का बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने रतन टाटा के निधन पर संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने कहा कि रतन टाटा को 140 करोड़ भारतीयों के साथ साथ पूरी दुनिया प्यार करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि न केवल टाटा ग्रुप का बल्कि भारत का नाम भी वैश्विक पटल पर उन्होंने ऊंचा किया है। बहुत ही संवेदनशील व्यक्तित्व थे। जीवन भर उन्होंने टाटा ग्रुप को तो बड़ा बनाया ही, टाटा ग्रुप को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक अलग ही पहचान बनाई, भारत की पहचान बनाई विश्व में। लेकिन जीवन भर उन्होंने, मैं समझता हूँ, टाटा ग्रुप को ही नहीं बढ़ाया, देश सेवा करी, और देश का एक अनमोल रत्न
के रूप में टाटा ग्रुप को खड़ा किया। ये रतन भी था देश का और शान भी थी देश की। उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनका निधन देशवासियों के लिए दुखद है। भारत रत्न टाटा जी का निधन सभी देशवासियों के लिए बहुत ही दुखद है और उत्तराखंड वासियों के लिए भी बहुत दुखद समाचार ये उनका जाना है, क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड में भी टाटा के अनेक प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू किए थे, अनेक संस्थान खोले थे। टाटा का जो उनका संस्थान है वो सेवा के क्षेत्र में भी यहाँ पर लगातार काम कर रहा है। नैनो की स्थापना भी उन्हीं के समय में हुई थी। वो एक असाधारण व्यक्तित्व थे। साथ ही दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के करीबी और सहयोगी सुहेल सेठ ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा, मैंने अपने माता पिता के बाद आज अपना तीसरा भावक खोया है। उन्होंने मुझे बहुत स्नेह दिया जबकि मैं कुछ भी नहीं हूं, जबकि उनके पास पूरी दुनिया थी। आज मैंने तीसरा पेरेंट खोया है और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, क्योंकि आधी जिंदगी मैं उनको जानता था और जितना स्नेह उन्होंने मुझे दिया, जितना प्यार, जितनी विनम्रता से वो पेश आए, उनके पास पूरी दुनिया थी। मिस्टर टाटा में एक खासियत ये थी कि वो सच के पहरेदार थे। अगर आप उनको सच एडवाइस देते, उनको वही पसंद था। वहीं आदित्य बिरला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने रतन टाटा के निधन पर गहरा शोक जताया। उन्होंने इस दुख की घड़ी में कहा कि टाटा संस के मानद चेयरमैन रतन टाटा के निधन से भारत और भारतीय उद्योग जगत ने एक दूरदर्शी व्यक्तित्व को खो दिया। मेरा ये प्रिविलेज था कि मैं उनके साथ काफ़ी मेरी करीबता रही कई सालों तक और बहुत कुछ सीखने मिला मुझे उनसे, और आदर्श पुरुष थे कई कई तरह से। हमेशा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, उनको अपने कंपनीज के बारे में हमेशा सोचते थे 24/7। इज आउटस्टैंडिंग पर्सन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI के चेयरमैन शक्तिकांत दास ने उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि वे भारत के पुत्र थे और उनके निधन से मैं बहुत आहत हूं। पे करने के लिए आई वॉज हियर टू पे माई रिस्पेक्ट्स टू द डिपार्टेड सोल। देर आर टू थिंग्स विच स्टैंड आउट अबाउट श्री रतन टाटा। द फर्स्ट इज दैट ही वॉज अ ट्रू विजनरी, अ ग्रेट विजनरी। द सेकेंड थिंग वॉज दैट ही वॉज अ स्ट्रांग बिलीवर इन एथिक्स इन कॉरपोरेट गवर्नेंस। I think whenever the economic history of modern India is written, I would feel that a full volume will not be enough to describe his achievements. A truly towering personality, a great son of India, a phenomenal person. May his soul rest in peace. ISRO अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ ने रतन टाटा के निधन पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि रतन टाटा का नाम भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास का समानार्थी है। The name Tata is something very synonymous with the industrial growth of Indian almost all sectors. I think they have played great role. They're just not industry that they have contributed. Right, starting from Jamshedji onwards, that tradition of ethical way of doing business has been one of the very characteristic of Tatas. And Ratan Tata symbolizes the same nature of the leadership that they have been giving to Tata's institutions. Ratan Tata ke nidhan par Ameriki rajdoot Eric Garcetti ne samvedna vyakt ki. Unhone apne social media X par post kar kaha ki Bharat aur duniya ne ek vishal hriday wale diggaj ko kho diya hai. Jab mujhe rajdoot ke roop mein seva karne ke liye namit kiya gaya tha तो भारत से पहली बधाई रतन टाटा की ओर से आई थी, जिन्होंने मेरे गृहनगर की सेवा में बहुत कुछ दिया। दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के बोर्ड में सेवा की। उन्होंने अपने देश के लिए अधिक समृद्धि और समानता का भविष्य देखा और हमारी दुनिया के लिए बहुत कुछ किया। उनकी स्मृति आशीर्वाद बनी रहे।
और आइए अब मिनी प्राइम में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 119वें वार्षिक अधिवेशन में हिस्सा लिया। वार्षिक अधिवेशन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने देश के सामने 2047 तक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनने और 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने का लक्ष्य रखा है। हमारे सामने प्रधानमंत्री जी ने दो लक्ष्य पूरे देश के सामने, 2047 जब देश की आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, भारत पूर्ण विकसित राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने खड़ा हो, और दूसरा 2027 तक हम दुनिया की तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनकर दुनिया के अर्थतंत्र की कामना। ये दो लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए अनेक विध प्रयास, अनेक विध पॉलिसी और अनेक विध प्रोग्राम लेकर मोदी जी 10 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे सामने प्रधानमंत्री जी ने इस दौरान अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने देश को विकसित करने के लिए काफी काम किया है। इसमें बुनियादी ढांचे का विकास, भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के अलावा कई तरह की योजनाएं शामिल हैं। खासतौर से अगर बात की जाए इस दौरान, यानी पीएचडीसीसी के 119वें एजीएम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में तमाम बातें कही और बताया कि किस तरीके से खासतौर से एक विज़न जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व के सामने रखा है और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। जो कल्पना करी है उसमें ढेर सारे डायमेंशन को उन्होंने ताकत देने का काम किया है और इसकी रूपरेखा भी तैयार की। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, भारत को दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना, इन्वेस्टर फ्रेंडली इकोसिस्टम खड़ी करना, स्किल वर्कफोर्स का निर्माण करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अनुसंधान को प्रोत्साहन करना, एडवांस कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी जैसी सभी टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र में, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में भारत को पायनियर बनाना और कई सारे इमर्जिंग सेक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन से लेकर ईवी तक, ये सारे सेक्टर में आज से ही भारत पायोनियर लीडर बने, इस प्रकार की नीतियों का निर्माण करना। रासीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी यानी आर के नारायण की आज जयंती है। वो अंग्रेजी में भारतीय लेखन के बेहतरीन लेखकों में से एक थे। उनकी कहानियां अक्सर परंपरा, आधुनिकता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भारतीय पारिवारिक जीवन की गतिशीलता के बीच टकराव जैसे विषयों का पता लगाती हैं। उनकी शैली में सौम्य हास्य, सौम्य विडंबना और सादगी की विशेषता है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। अक्टूबर 1906 को मद्रास में जन्मे आर के नारायण प्रारंभिक भारतीय अंग्रेजी साहित्य के सबसे महान उपन्यासकारों में से एक माने जाते हैं। आर के नारायण की काल्पनिक, अकाल्पनिक और पौराणिक रचनाओं को दुनिया भर में सराहा जाता है। उन्होंने 34 उपन्यास लिखे। उनका पहला काम स्वामी एंड फ्रेंड्स, स्कूली बच्चों के एक समूह के रोमांच को बयान करने वाली एक प्रासंगिक कहानी है। उन्होंने अपनी रचनाएं दक्षिण भारत के एक काल्पनिक गांव मालगुड़ी को आधार बनाकर की थी, जिस पर बाद में मालगुड़ी डेज नाम से एक धारावाहिक बनाया गया था और इस धारावाहिक को डीडी नेशनल पर प्रसारित किया गया था। यह एक लोकप्रिय टेलीविजन शो था जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया और जिसे लोग आज तक नहीं भूले हैं। मालगुड़ी डेज की कहानियां इतनी जीवंत होती थीं कि लोग उन्हें अपने जीवन से जुड़ा महसूस करते थे। आर के नारायण ने अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतीय ग्रामीण और शहरी जीवन की विसंगतियों और विडंबनाओं का सटीक चित्रण किया है, जिसमें आधुनिक शहरी जीवन और पुरानी परंपराओं के बीच टकराव देखने को मिलता है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ही लेखन के लिए समर्पित कर दिया था और जीवन के अंतिम समय तक भी वह इस कार्य को बखूबी करते रहे। भारतीय साहित्य में आर के नारायण की विरासत बहुत गहरी है, जिसने भारतीय अंग्रेजी लेखन की दिशा को आकार दिया है और लेखकों की एक नई पीढ़ी को प्रभावित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। तो फिलहाल के लिए मिड डे प्राइम में बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।